और बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बहराइच में भेड़ियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक खेत से दूसरे खेत भागते हुए दिख रहे हैं भेड़िए। महसी में घाघरा नदी के किनारे भेड़िए देखे गए। ये देखिए एक वीडियो आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एक खेत से दूसरे खेत में भागते हुए भेड़िए साफ नजर आ रहे हैं। बीते दिनों से लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। हालांकि गनीमत रही कि पिछले 5 दिनों में किसी तरीके का कोई अटैक इन भेड़ियों ने लोगों पर नहीं किया है। और लगातार वन विभाग की टीम गांववासियों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे, रात को अपने घर के अंदर सोए, बाहर ना सोए। और गांव वाले इस अपील को मान भी रहे हैं, देखा भी जा रहा है। और 5 दिन से कोई अटैक इनकी तरफ से नहीं किया गया, लेकिन अब ये जो वीडियो सामने आया इसमें आप देख सकते हैं, देखिए कैसे ये भेड़िए एक खेत से दूसरे खेत की तरफ भागते हुए बहुत तेजी के साथ, और ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये नया वीडियो सामने आया, हालांकि वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रही है, लेकिन ये जो वीडियो है ये कैमरे में कैद हुआ और ये वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे कितनी तेजी के साथ एक खेत से दूसरे खेत में भागते हुए देखे जा रहे हैं ये भेड़िए। 3 तस्वीरें आपके सामने, खेतों में भेड़िए देखे गए और आप अपना निशाना ये आदमखोर भेड़िए बना चुके हैं। वन विभाग की टीम ऑपरेशन आदमखोर लगातार चला रही है बहराइच में, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। संजय, वीडियो में दिख चुके हैं ये 2 भेड़िए, और अब आगे वन विभाग की प्लानिंग क्या रहेगी? जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इनका पैटर्न चेंज करने की कोशिश, की किसी पर ये अटैक न करें जैसा कि पिछले 5 दिनों में नहीं किया, या फिर इन्हें पकड़ने की कोशिश, क्या करेगी वन विभाग की टीम? बिल्कुल पूजा, वन विभाग जागरूकता अभियान का सहारा ले रहा है। किस तरह से ले रहा है वो मैं दिखाता हूँ तस्वीरों में। पहले देख लीजिए, ये इस तरह के जो पोस्टर्स हैं इनको अलग अलग गांवों में जाकर के लगाया जाए, जिनमें बिल्ली प्रजाति और कुत्ता प्रजाति के जो जानवर होते हैं उनके पगमार्क किस तरह के होते हैं वो आपको इसमें नजर आएंगे, जिससे लोग समझ सके कि जिस जानवर के पदचिन्ह वो देख रहे हैं वो सियार है या भेड़िया है या बाघ है, तेंदुआ है, लकड़बग्गा है। भेड़िए का निशान हो तो वन विभाग को फोन करें, क्योंकि लगातार ऐसी अफवाहें फैल रही हैं, सियार को देखकर भी लोग भेड़िया समझ ले रहे हैं। वन विभाग के GM मेरे साथ मौजूद हैं, संजय पाठक जी। पाठक जी, मैं देख रहा हूँ आप लोग ज्यादा करके इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं, पूरा अभियान आप हैंडल कर रहे हैं, आप मुखिया पूरे अभियान के। वीडियो कई सारे ऐसे ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनमें भेड़िया खेतों में नजर आ रहा है, वन विभाग के कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा? ऐसे समय में क्या होता है कि बहुत सारे जो शरारती तत्व हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं और कहीं के भेड़ियों को यहीं क्या बता के पोर्ट्रेट कर देंगे। कई बार आप जो आप खुद ही देख रहे होंगे इस तरह की रिपोर्टिंग के दौरान कि सियारों की मौजूदगी देखी जा रही है और लोग जो है काफ़ी फोर्स करते हैं, जो दल है उसको ड्रोन उड़ाइए, ड्रोन उड़ा के दिखाइए। पता चला जब पूरी मशक्कत करे तो बाद में पता चल रहा है कि वहाँ सियार है। ऐसे वाक्य जो कुत्तों के केस में भी, नीलगाय के केस में भी देखे गए हैं। और लोग जो मतलब जिनको अभी कुछ भी हो रहा है, कहीं खड़ोच लग जा रही है, लकड़ी से भी खड़ोच लग रही है, तो भेड़िया क्या बता दे रहे हैं। कल का वाक्य है, एक महिला जो अपने आप को जो है बता रही कि भेड़िया पीड़ित है। वो जब देखा गया तो उसके शरीर पर कोई खरोंच के भी निशान नहीं, और आज भी वो व्यक्ति, आज जो महिला है, आज भी इस तरीके से ही पोर्ट्रेट कर रही थी, आगे की बहुत बड़ी त्रासदी होगी उसके। इसके पीछे क्या मकसद है, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, ये आरोप लोग क्यों लगा रहे हैं कि भेड़िए ने मारा? ये कहीं ना कहीं जो एक माहौल जो है पैदा हो गया, जो नकारात्मक इस प्रजाति के संबंध में जो लोगों की नकारात्मक राय बन गई है, एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि लोग मतलब जो मैं देख रहा हूँ कि वो जानवरों के प्रति उनका ज़्यादा सरोकार है, जो लोगों से बात करते ही पता चल रहा है, वो खुद जो सतर्कता बरतने, सजगता बरतने में नहीं इंटरेस्ट दिखा के। पहले तो ऐसे वाक्य हुए, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि इस हमारे मामले में ऐसा हो रहा है, लेकिन पहले ऐसे वाक्य हुए हैं कि सरकार से किसी ने बता दिया कि सरकार से आपको मुआवजा मिल जाएगा इसका, ये सरकार आपके लालच में भी ऐसा लोग कर सकते हैं। पिछले दिनों एक घटना हुई जिसमें आपने देखा हुआ कुत्ते को मारा, बाद में जब पूछा गया उन्हीं के दादाजी से बच्चे के, तो ये बताया गया कि हाँ साहब यही भेड़िया था, इसको मार दिया लोगों ने, जबकि वास्तविकता में वो कुत्ता था। तो संभव है उसमें बहुत ही बच्चे को बोलने देने से वो लोग मतलब रोक रहे थे, और बहन ने भी एक कहानी कुक कर ली थी, तो उसे कहीं ना कहीं जैसे अभी जिला प्रशासन ने भी कुछ मदद की है, कुछ हम लोग के माध्यम से इन लोगों को पता चला गंभीर रूप से यदि घायल है तो उनको मुआवजा मिलेगा, कुछ मुआवजा तो नहीं कहेंगे, एक्सप्रेस मदद मिल सकती है। अच्छा ये बता दें सर कि जो 2 आदमखोर भेड़िए अभी तक लापता है उनकी कुछ लोकेशन मिल जा रही है, उनकी कुछ विजुअल फुटेज वगैरह मिले? देखिए मतलब आदमखोर तो इनमें से किसी को भी कहना उचित नहीं, चाइल्ड लिफ्टर होते हैं, और जो ये बाकी बचा हुआ हो सकता है इनोसेंट हो, क्योंकि अभी पिछले 6 मतलब जो है रातों से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कहीं से प्रकाश में नहीं आई है। रातों से कोई घटना नहीं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं पूजा, इनको सुनना बहुत जरूरी है, देहरादून से आए हुए हैं, हमें सिर्फ इतना बता दिए, ये बताया था कि भेड़िया 4-5 रातों के बाद अटैक करता है, अब 4-5 रातें हो गई तो क्या इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि भेड़िया अटैक करेगा? नहीं देखिए, ये तो हम नहीं देख पा रहे हैं कि रात में वो क्या खा रहा है, क्योंकि वो 4-5 दिन में उसको 8-10 किलो गोश्त चाहिए होता है, तो हो सकता है कि जब वो बाहर नहीं आ रहे हैं तो वाइल्ड प्रे भी अवेलेबल है इस लैंडस्केप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी खा रहा है, क्योंकि ये इस एरिया में पिछले बस पहले से है, लोग बता रहे हैं कि हमेशा से देखते हुए आए हैं, तो वो इस एरिया में पहले से है, उसको पता है कि क्या खाना है, वो कुछ घटनाएं हो गई हैं 4 इवेंट्स से जिसमें कुछ बच्चों की जाने चली गई हैं, हो सकता है कि अब उनको खाने का वो मिल रहा है, वाइल्ड प्रे अवेलेबल है जिसको खा के अपना। बड़ी बात आप कह रहे हैं, खान साहब हैं, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं, जिनका ये कह रहा है कि हो सकता है भेड़िए उन इलाकों में पहुंच गए हैं जहां उनका नेचुरल हैबिटेट था और उनको जिस तरह शिकार करने की आदत थी वो शिकार उनको मिल रहा है, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि 6 दिनों से भेड़िए